everybody, a very warm good afternoon to all of you and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. कैसे हैं सब लोग? I hope everybody is doing fine and great. So today's lecture is about non-coding RNAs. ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Non-coding RNAs के बारे में. Different categories of non-coding RNAs होते हैं, miRNA, siRNA. Then you have these kind of small non-coding RNA, then there are large non-coding RNA. So all these things we are going to study in our today's session. So before moving to our discussion, first of all, I would like to give you some introduction about myself. So this is my profile. My name is Surbhi and I am a PhD student at IIT Guwahati. I have qualified CSIR NET in June 2019. And GATE, I have qualified in 2019 as well as in 2020 in the biotechnology stream. Now talking about this platform of Unacademy. Unacademy का जो ये platform है बच्चा लोग, ये platform हमें क्या क्या चीज़ें देता है देखो. ये platform हमें देता है daily live classes, interactive sessions, doubt clearing sessions. ठीक है, ये live classes आपके लिए बहुत beneficial होते हैं. आपको एक जो फिजिकल क्लास का एक्सपीरियंस होता है वो आपको कहाँ मिलता है? आपको घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है. सो देयर इज नथिंग मोर देन दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट डेली लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विज सेशन. ठीक है, लाइव टेस्ट क्विजेस भी यहाँ पे आपको मिलते हैं. इसके अलावा यहाँ पे आपको वेल स्ट्रक्चर्ड वेल डिजाइंड कोर्स मिलता है. आपके कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे कवर कराया जाता है, वेदर इट इज अ लाइव वीडियो, वेदर इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियोज, उन सबका एक्सेस भी आपको मिलता है. तो ये सारे बेनिफिट्स, डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज सेशंस, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है. तो सोचो इससे बेनिफिशियल, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि आपको और कहीं भी जाना नहीं पड़े. एक प्लेटफॉर्म पे रह के, एक प्लेटफॉर्म से जुड़ के ये सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हो. सो देयर इज नथिंग मोर देन दैट. And now coming to the another important thing, that is free classes. Unacademy के platform पे there are a lot of special classes. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी special classes भी होती हैं बच्चे, जो सबके लिए free है. आपको इसके लिए कुछ भी pay नहीं करना है. आप इसको हमेशा access कर सकते हो अपनी account से without taking any kind of subscription. तो ये free classes जो होती हैं, एक घंटे की classes होती है. इसमें आपके क्या होते हैं? Revision sessions होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशंस होते हैं, क्विक रिविजन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाए जाते हैं, आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे टाइम टू टाइम बहुत सारी क्लासेस में होती हैं. तो अगर आप अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो अनअकैडमी का, तो पहले आप फ्री क्लासेस जाके देखो. फ्री क्लासेस के अंदर भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. तो आपको मेरी क्लासेस भी अगर देखनी है अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस, तो वो भी आप देख सकते हो बच्चे. आपको बस अनअकैडमी पर जाके मुझे सर्च करना है, मेरा नाम सर्च करना है, और जैसे ही मेरा नाम आपको मिलेगा और उसको क्लिक करो, मेरे प्रोफाइल में जाओ, और उसके बाद मेरी सारी क्लासेस जो है वहां पे लिस्टेड, वो सब आप देख सकते हो. सो इफ यू लाइक दीज स्पेशल क्लासेस, देन अगर आपको चाहिए कि मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन, पूरी की पूरी कोर्स जो है मेरा वो यहाँ से पढ़ूँ मैं, तो फिर बच्चे इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अब आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. और जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे, तो ये सारे प्लान्स आपके लिए अवेलेबल हैं. देख लो यहाँ पे आपके लिए 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के प्लान अवेलेबल हैं. एंड डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितने टाइम तक का प्रिपरेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट प्लान्स को ले सकते हो, है ना. सो अगर आप 12 मंथ्स के प्लान के लिए जा रहे हो, तो ये आपको 10,395 में पड़ेगा. और इस प्लान को जब आप लोगे, तो इसमें 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा जो रेफरल कोड है, दैट इज surbhi01, वो यूज कर सकते हो. ठीक है, चलिए तो फिर आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन हम स्टार्ट करेंगे. एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी चेक. ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो हमारा सेशन है, ज्यादा लॉन्ग नहीं वो होने वाला है, बिल्कुल शॉर्ट सेशन होगा, जिसमें हम मेनली नॉन कोडिंग आरएनएस के बारे में देखेंगे कि वो होते क्या हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर बनते हैं,
देर इज अ सेंट्रल डॉगमा, ठीक है. सेंट्रल डॉगमा सेज दैट डीएनए रेप्लीकेट होता है. डीएनए रेप्लीकेट होके ड्यूरिंग सेल डिविजन एक डीएनए से दो डीएनए स्ट्रैंड बनाता है. दोनों डीएनए स्ट्रैंड अपने अपनी डॉटर सेल्स में चले जाते हैं, है ना. तो डीएनए जब जब किसी जीन का एक्सप्रेशन कराना होता है ना, तब क्या होता है, तब आपका जो डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है आरएनए में, ठीक है. डिपेंडिंग कि आपको किस जीन की जरूरत है, किस जीन के एक्सप्रेशन करवाने की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी डीएनए है वो ट्रांसक्राइब होता है इनटू आरएनए. फाइन. नाउ दिस आरएनएस कैन देन गो इनटू द ट्रांसलेशन, देन इट विल फॉर्म प्रोटीन. एंड सम आरएनए वो क्या होते हैं, वो ट्रांसलेशन में नहीं जाके सिर्फ आरएनए के फॉर्म में ही रहते हैं और उनके भी बहुत सारे रोल्स होते हैं. तो दोज आरएनए दैट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स आर नोन एज नॉन कोडिंग आरएनए. तो नॉन कोडिंग आरएनएस आर द फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल दैट इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन. The DNA sequence from which a non-coding RNA is transcribed is often called as a RNA gene. मतलब कि अगर आप DNA को देख रहे हो तो DNA को हम in common क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं. और वो जीन जो प्रोटीन को इनकोड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग जीन. And those gene that encodes only for RNA, not for protein, are known as RNA gene. ठीक है. तो एक होता है कोडिंग जीन, एक होता है RNA gene. कोडिंग जीन जो होता है वो आपका प्रोटीन बनाता है, और आरएनए जीन जो होता है वो आपका नॉन कोडिंग आरएनए बनाता है. तो अब ह्यूमन की अगर बात करो तो इन ह्यूमन अप टू 98% ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल आउटपुट इज नॉन कोडिंग आरएनए. हमको पता है ना कि हमारे बॉडी में 1.5 to 2% ऑफ द डीएनए जो है वही क्या होता है, सिर्फ कोडिंग होता है. तो बाकी सारे क्या होते हैं, बाकी सारे नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं, ठीक है. वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होते हैं कभी कभी, लेकिन वो ट्रांसलेशन में नहीं जाते हैं. तो दे विल इनकोड फॉर अ आरएनए एंड दीज आरएनएस आर नोन एज नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है. सिंपल सी चीज है, जो आरएनए इनकोड नहीं करेगा प्रोटीन को वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन कोडिंग आरएनए. जो आरएनए प्रोटीन को इनकोड करेगा वो हो गया कोडिंग आरएनए. तो ये नॉन कोडिंग आरएनए इनकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है हमारी बॉडी में, डेवलपमेंट में, प्रोटेक्शन में, इम्यूनिटी में, है ना. और इन सारे फंक्शंस को जो है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम अगर कैटेगराइज्ड करें नॉन कोडिंग आरएनए को, तो ब्रॉडली हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो नॉन कोडिंग आरएनए इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए एंड लॉन्गर नॉन कोडिंग आरएनए. बोथ आर नॉन कोडिंग आरएनएस, बस डिफरेंस क्या है, दोनों की साइज में, दोनों के नंबर ऑफ बेस पेयर्स में. तो नॉन कोडिंग आरएनएस आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू स्मॉल एंड लॉन्गर क्लासेस. तो वन इज द लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, अनदर इज द स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए. अब देखो, अब ये लॉन्ग और स्मॉल वाला भी क्या है, फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज में हम डिवाइड होता है. अगर हम सिंपली लॉन्ग वाले को देखें तो लॉन्ग कैन बी ऑफ वन टाइप, दैट इज आरआर. जो हमारा आर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, दिस राइबोसोमल आरएनए इज आल्सो अ काइंड ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए, बिकॉज राइबोसोमल आरएनए जो है वो कभी भी प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है, ये आरएनए के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, जो कि राइबोसोम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है. तो दिस आर आरएनए आर नॉन कोडिंग आरएनए एंड दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. एंड लॉन्ग नॉन कोडिंग आर एन एस के कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है. अब अगर हम स्मॉल आर एन ए के ऊपर आते हैं तो स्मॉल आर एन एस के बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, ठीक है. पहली होती है माइक्रो आर एन ए, ठीक है. माइक्रो आर एन ए का हम मेनली साइलेंसिंग में इन्वॉल्व होता है. देन यू हैव एस एन आर एन ए, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए. और ये आपने पढ़ा होगा कहाँ यूज होता है, आर एन ए के प्रोसेसिंग में और स्प्लाइसिंग में, ठीक है. एस एन आर एन ए जो होता है वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के क्या फॉर्म करता है, दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, दे आर फॉर्मिंग स्नर्ब्स, ठीक है. और ये स्नर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए प्लस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. एंड दीज स्मॉल आर एन एज आर ऑफ वेरियस टाइप, U1, U2, U4, U5 एंड U6. दीज आर द फाइव टाइप ऑफ एस एन आर एन एज प्रेजेंट इन आवर प्रोसेसिंग सिस्टम, आर एन ए प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि
कहाँ इन्वॉल्व होता है, जो कि प्री मैच्योर एमआरएनए को किसमें कन्वर्ट कराता है, इनटू मैच्योर एमआरएनए। तो ये किसका रोल हो जाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का, जो कि एक क्या है, जो कि एक नॉन कोडिंग आरएनए है। माइक्रो आरएनए हम देखेंगे डिटेल में। पीआई आरएनए, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ स्मॉल आरएनएज दैट आर नॉन कोडिंग, एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है वी विल सी लेटर ऑन। नाउ अनदर कैटेगरी इज द टी आरएनए। टी आरएनए क्या होता है बच्चा लोग, टी आरएनए इज द ट्रांसफर आरएनए। तो यू नो जो आपका आरएनए होता है, मेनली आरएनए को ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं थ्री कैटेगरीज में, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टी आरएनए। बट इसके अलावा बहुत सारे नॉन कोडिंग होते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे टी आरएनए भी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज है, जो कि कहाँ इन्वॉल्व होता है, जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ नॉन कोडिंग आरएनएज। ठीक है, तो एसएनआरएनए हो गया, माइक्रो आरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया एंड पीआईआरएनए हो गया। नाउ इसके अलावे एक होता है एसएनओआरएनए। एसएनओआरएनए इज द स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोलर आरएनए मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोलर कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस एक ऑर्गन होता है जो कहाँ होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और मेनली जो हमारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं ना, राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर, एंड विद इन दिस न्यूक्लियोलस देयर इज अ स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए एंड दीज एसएनओ आरएनएज आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए। ठीक है, एक होता है एसएनआरएनए। एसएनआरएनए किसका प्रोसेसिंग कराता है, एमआरएनए का। देन वी हैव अ एसएनओ आरएनए, एंड एसएनओ आरएनए किसका प्रोसेसिंग कराता है, आरआरएनए। ठीक है, क्लियर, ये सारी कैटेगरीज एक बार फिर से सब लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉन कोडिंग आरएनएज़, दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल आरएनएज़ एंड लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज़। दो कैटेगरीज हो गई, इनको हम ब्रॉड डिवाइड करेंगे तो दो कैटेगरीज हो गई। नाउ दीज स्मॉल आरएनएज़ आर डिवाइडेड इनटू माइक्रो आरएनए, पीआई आरएनए, एसएनआरएनए, टीआरएनए एंड एसएनओ आरएनए, एंड लॉन्ग वाला एक होता है आर आर एन ए और अदर लॉन्गर नॉन कोडिंग आर एन ए। अब हम एक एक करके सारी कैटेगरीज को देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी वी हैव इज द लॉन्ग नॉन कोडिंग आर एन ए। ठीक है, लॉन्ग नॉन कोडिंग आर एन ए क्या होते हैं, दे आर द लॉन्ग नॉन कोडिंग आर एन ए दैट ऑफन ओवरलैप्स विथ और इंटरस्पर्स बिटवीन मल्टीपल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट। मतलब लेट्स से कि दिस इज अ कोडिंग रीजन, दिस इज अ नॉन कोडिंग रीजन, दिस इज कोडिंग, दिस इज नॉन कोडिंग, देन अगेन दिस इज कोडिंग एंड दिस इज नॉन कोडिंग। तो ये क्या करते हैं, द ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, यहाँ से कुछ स्पेसिफिक आरएनए क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। मतलब इसमें कोडिंग रीजन का भी कुछ पार्ट होगा और नॉन कोडिंग का भी कुछ पार्ट होगा। तो बिकॉज इट इज अ मिक्सचर, तो ये क्या होता है, ये प्रोटीन तो नहीं बना पाएगा, ये आरएनए के फॉर्म में ही रहेगा। एंड ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू द रीजन दैट दे आर नॉट फॉर्मिंग द प्रोटीन बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट्स, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन कोडिंग आरएनएज एंड दे आर वेरी लॉन्गर इन साइज। सो द मेजर फंक्शन ऑफ दीज नॉन कोडिंग आरएनएज आर to regulate gene expression at the transcriptional and post-transcriptional level. ये क्या करते हैं, जीन को रेगुलेट करते हैं, बहुत सारे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल एंड एज वेल एज एट द ट्रांसलेशन लेवल आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन। तो दे परफॉर्म मेनली थ्री फंक्शन, वन इज द क्रोमेटिन मॉड्यूलेशन, मतलब ये क्या करेंगे, this is the chromatin modulation, matlab say this is a long non coding rna and they will interact with different kind of protein molecules. theek hai, these are the some protein molecules and they will form a complex and these complexes will go and induce certain kind of modifications like methylation or acetylation. theek hai, and they will result in chromatin remodeling. matlab ye ya to is protein ka expression karwayenge, iska sorry is डीएनए का एक्सप्रेशन करवा देंगे या फिर इसका सप्रेशन करवा देंगे। सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, मींस दे आर फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद सेवरल प्रोटीन्स एंड दे विल गाइड देम टू गो एंड बाइंड टू द डीएनएस एंड दे विल इंड्यूस डिफरेंट एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस लाइक मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन।
Another role is the transcriptional regulation. So what will they do? They will go and bind to different promoter regions or different operator regions or in between the promoter and operator. And finally, what are they doing? They are preventing the binding of transcription factor. देखो ये transcription factor 2D है, वो यहाँ पे नहीं bind कर रहा है promoter पे due to the presence of long non-coding RNA. So they are participating in transcriptional control by inhibiting the TF2 binding to the promoter region. So this is another function. First is the chromatin remodeling, and another one is the transcriptional control. Another function is post-translational processing. Post-translational processing क्या होता है? मतलब कि आपका क्या होता है? Processing जो splicing का mechanism होता है, ठीक है? फिर 5' cap का addition, polyadenylation, ये सारे steps जो होते हैं, वो होते हैं post-translational processing. So these non-coding RNAs will go and bind. See, this is the non-coding RNA जो क्या होगा? पहले transcribe होगा. And it will go and bind to the UTRs, 5' UTRs of the premature RNA. This red color is the long non-coding RNA, जो कि 5' UTR से bind करेगा, यहाँ पे complex बना लेगा. And by this complex formation, spliceosome machinery will not be able to bind to this site. So there is no splicing. And this mRNA remains in a immature condition. मतलब वो fully mature functional mRNA नहीं बनाए. तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के मेनली क्या रोल होगा? क्रोमेटिन रीमॉडलिंग करवाएगा, ठीक है? यू क्रोमेटिन रीजन को हेटरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट करवा देगा. ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर रीजंस पे बाइंड करके वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिक्रूट नहीं होने देगा, तो ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से कंट्रोल होगा. देन इट विल ऑल्सो कंट्रोल द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग लाइक स्प्लाइसिंग बाई बाइंडिंग टू द 5' UTRs. So these are the three important functions of non-coding RNA, long non-coding RNA. Chromatin modulation, transcriptional regulation and post-transcriptional regulation. ठीक है, या तो transcription को ही regulate करेगा, अगर transcription हो गया तो फिर post-transcriptional regulation जैसे कि RNA processing को regulate करेगा. So these are the three major actions or roles we can say of our long non-coding RNAs. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी how these long non-coding RNAs are originated. So let's say this is a protein encoding region, ठीक है, जो कि पहले क्या है, coding region है, but certain kind of mutations within the protein coding regions will result in the generation of non-coding sequences. So ये purple color का आप जो आपको दिख रहा है, let's say ये क्या है, ये एक coding region है. एंड इसमें क्या हो गया, देर इज सर्टन काइंड ऑफ म्यूटेशन, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट क्या होगा, इंसर्ट होगा. एंड विद द इंसर्शन ऑफ सम एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट, दिस कोडिंग रीजन विल नाउ बिकम नॉन कोडिंग. एंड जब ये नॉन कोडिंग रीजन, जब ये म्यूटेटेड रीजन जब ट्रांसक्राइब होगा, तो इससे जो mRNA बनेगा, सो दिस mRNA इज नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन, बिकॉज क्या हो गया है, इसके कोडिंग रीजन में म्यूटेशन हो गया. तो ड्यू टू दिस रीजन, अगर इसके कोडिंग रीजन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो इस म्यूटेशन के कारण अब जो आपको आरएनए मिलेगा, दिस आरएनए इज नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन. इस आरएनए का जो प्रोटीन कोडिंग एबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, बट इट विल रिमेन एज अ आरएनए. एंड दिस काइंड ऑफ आरएनएज आर नोन एज लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए. ठीक है, ये कैसे कैसे अराइज हुआ, ये अराइज हुआ बाय द म्यूटेशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स. नाउ सेकेंड फैक्टर कैन बी क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट. देखो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, कि लेट्स से देयर आर टू पीसेस ऑफ डीएनए,
इन टू सेपरेट क्रोमोजोम्स और सेम क्रोमोजोम्स कहीं भी हो सकता है। अब क्या होगा, ये रीजन और ये रीजन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस आके एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। तो इनिशियली दीज टू रीजन आर कोडिंग फॉर सेपरेट प्रोटीन, ये प्रोटीन ए के लिए, ये प्रोटीन बी के लिए। बट वेन दे विल फ्यूज दे अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट दे बिकम नॉन कोडिंग। पहले तो वो कोडिंग थे, लेकिन उनका जब जीन रीअरेंजमेंट हुआ, क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट हुआ, तो वो आपस में जाके या तो कंबाइन हो गए या फिर उनमें कुछ म्यूटेशंस हो गए, कुछ भी हो सकता है क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट के केस में, एंड नाउ दे बिकम नॉन कोडिंग। तो ड्यू टू क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट्स ये रीजन क्या कर गया, कंबाइन कर गया, एंड नाउ द कंबाइंड रीजन विल नॉट हैव अ कोडिंग एफिशियंसी, मतलब वो प्रोटीन को इनकोड नहीं करेगा। तो जो इस रीजन से आरएनए बनेगा वो आरएनए कौन सा होगा, नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर इज अ डुप्लीकेशन, मतलब लेट से देयर इज अ शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए, क्या है, एक शॉर्ट सीक्वेंस है जो कि नॉन कोडिंग है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है या फिर इंट्रॉन है। अब क्या होगा, ये जो रीजन है वो क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट हो गया, देयर इज अ जीन डुप्लीकेशन। मतलब ये जो लेट से ये 18 न्यूक्लियोटाइड का एक क्या था, इंट्रॉन था जो कि नॉन कोडिंग था, ये 5 टाइम क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। नाउ इट विल बिकम अ 400 न्यूक्लियोटाइड नॉन कोडिंग रीजन, एंड दिस रीजन विल कंसिस्ट ऑफ लॉन्गर नॉन कोडिंग आरएनए सीक्वेंसेस, सो दे कैन अराइज बाय अ प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज द ट्रांसपोजोन इंसर्शन, मतलब क्या हुआ, लेट से एक कोडिंग रीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आके इंटीग्रेट हो गया। नाउ दिस कोडिंग रीजन विल बिकम नॉन कोडिंग एज वेल एज इट विल बिकम लॉन्गर। सो नाउ दिस रीजन व्हेन गेट ट्रांसक्राइब्ड इट विल फॉर्म आरएनए दैट इज नॉन कोडिंग। ठीक है, सो दीज आर द 4 मैकेनिज्म बाय विच लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज आर जनरेटेड। First is the mutation within the protein encoding region. Second is the chromosomal rearrangement. Okay. Third is the duplication. And fourth is the transposon insertion. So these are the 4 major reasons by which we have generation of non-coding RNAs in our genome. Clear? ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए इज स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए आल्सो कॉल्ड एज एसएनओ आरएनए आर द टाइप ऑफ स्मॉल आरएनएज दैट विल गाइड द मॉडिफिकेशन ऑफ अदर आरएनएज, जैसे कि आर आरएनए। मतलब स्मॉलर न्यूक्लियोलर आरएनए का मेजर फंक्शन होता है कि वो आर आरएनए का प्रोसेसिंग करवाता है। तो डिफरेंस बिटवीन एसएनआरएनए एंड एसएनओ आरएनए इज बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन। देखो, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए बोथ का फंक्शन सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता है। कैसे, एसएनआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए बट एसएनओआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए। बस इतना ही डिफरेंस होता है, मोड ऑफ एक्शन दोनों के बहुत तरीके से सिमिलर होते हैं बट मेनली एसएनआरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर एमआरएनए प्रोसेसिंग एंड एसएनओआरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर RRNA processing, and apart from that it has other roles, like it play an important role in the methylation of RNA where a methyl group is added to the 2 prime hydroxy group of ribose. Matlab let's say this is a RNA aur RNA ka pata hai aapko, RNA ke mein jo ribose sugar hota hai uske 2 prime pe ek OH group present hota hai, and this due to this OH group RNA is very much susceptible to hydrolysis, alkaline hydrolysis. मतलब कोई भी ग्रुप, रिएक्टिव ग्रुप जो होंगे वो आके इस OH के साथ अटैक कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो दिस RNA is very unstable. तो अगर किसी मॉलिक्यूल को RNA के फॉर्म में ही रहना है हमेशा, जैसे कि राइबोसोमल RNA, उसको तो हमेशा RNA के फॉर्म में ही रहना है,
तो अगर वो बार बार म्यूटेट होगा, डिग्रेड होगा, तो दिस इज अ प्रॉब्लम. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज आर आर एन एज फ्रॉम द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस इन द सेल सिस्टम, क्या होता है, द एस एन ओ आर एन ए दे हैव अ स्पेसिफिक रोल. ये एस एन ओ आर एन ए क्या करते हैं, ये इस टू प्राइम ओ एच पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन करवा देते हैं. यहाँ पे ओ पे क्या हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप एड हो जाएगा. एंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप एट द टू प्राइम ओ एच, नाउ दिस टू प्राइम ओ एच विल बिकम लेस रिएक्टिव, बिकॉज इसका जो फ्री बॉन्ड था इस ऑक्सीजन का, लोन पेयर था जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता था बार बार, वो क्या हो गया, अब मिथाइल के साथ इन्वॉल्व हो गया. तो अब ये न्यू बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा. सो इट इज नाउ लेस सस्सेप्टेबल फॉर हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब लेस सस्सेप्टेबल हो गया हाइड्रोलाइसिस के लिए. सो दिस मिथाइलेशन विल प्रोटेक्ट द आरएनए फ्रॉम हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन एंड स्टेबलाइजेस द स्ट्रक्चर. सो अपार्ट फ्रॉम द, देखो एस एन ओ आर एन ए के दो रोल हो गए. फर्स्ट इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ आर आर एन ए. ठीक है, जो इमैच्योर आर एन ए होगा उससे वो मैच्योर आर आर एन ए बनाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर तो ये हो गया इसका सेकेंड रोल, मिथाइलेशन ऑफ द टू प्राइम ओ एच ऑफ राइबोज शुगर ऑफ आर एन एज, एंड दैट्स वाई इट इज प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस एंड डिग्रेडेशन. सो इज इट क्लियर? Okay, nice. Now, these RNAs, SNO RNA are also involved in editing, mRNA editing. मतलब क्या हो गया कि let's say this is a functional mRNA, but कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इस mRNA का जो sequence है उससे जो protein बन रही है वो protein का sequence जो है वो differ करता है. मतलब mRNA कुछ और है आपको बता रहा है, बट प्रोटीन में कुछ और अमाइनो एसिड आपको दिख रहा है. तो इन बिटवीन द एमआरएनए एंड द प्रोटीन देयर इज अ एडिशनल स्टेप जो कि एमआरएनए के सीक्वेंसेस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए एडिटिंग. मतलब कि पहले देखो, पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा. ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपके पास प्री मैच्योर एमआरएनए बनता है जिसमें कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों. Now this premature RNA undergo splicing and they will form a mature mRNA. अब ये mature mRNA किस प्रोसेस में जाता है, इसके बाद जाता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में. बट इन बिटवीन दीज टू स्टेप देयर इज अ एडिशनल स्टेप ऑफ RNA एडिटिंग, जहां पे देयर इज अ एडिशन और इंसर्शन और डिलीशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड. मतलब इस mRNA के कुछ न्यूक्लियोटाइड या तो डिलीट हो जाएंगे, या तो कुछ नए इंसर्ट हो जाते हैं, या तो कुछ सब्सटीट्यूट हो जाते हैं. एंड दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज नोन एज RNA एडिटिंग. एंड ये आपके SNO RNAs और अदर नॉन कोडिंग RNAs जो है कि इस प्रोसेस को करवाते हैं. तो mRNA ट्रांसक्रिप्ट्स कैन बी एडिटेड बाई SNO RNA बाई मॉडिफाइंग वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इनटू अनदर. सो दीज SNO RNAs आर इन्वॉल्व्ड इन RNA एडिटिंग ऑल्सो. तो आरएनए एडिटिंग के लिए एसएनओ आरएनए जरूरी है. तो अब देखो, अब एसएनओ आरएनए का क्या क्या रोल हो गया, फिर से एक बार रिकॉल करो. प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए, ठीक है, याद रखना है बच्चों ये सारी पॉइंट्स, किसी को कुछ भूलना नहीं है. ठीक है, दूसरा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ टू प्राइम ओएच ऑफ राइबोस ऑफ आर आर एन ए बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट रोल इज द आर एन ए
एडिटिंग, तो ये तीन रोल किसके होते हैं, ये तीन रोल होते हैं हमारे SNORNA के। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। हमने स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए देख लिया, अब है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो दिस इज आई थिंक इजी, ये पता होगा सबको, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस दैट स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेस ऑफ अबाउट 150 प्रोटीन्स एंड 5 आरएनएस रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए स्प्लाइसिंग। And these five RNAs are U1, U2, U4, U5 and U6. And they will combine with the proteins and form small nuclear protein. Each of these RNAs has a length of 100 to 300 nucleotides. And they will combine with several proteins to form a RNA protein complex, that is ribonucleoprotein complex or SNRPs. So this is a RNA that is involved in splicing. इसका ज्यादा रोल नहीं होता है, बस ये mRNA का splicing ही करवाता है, ठीक है। तो अभी तक जो चीजें हमने देखी वो क्या है, अभी तक हमने first देखा long non-coding RNA, ठीक है, जो कैसे एराइज होता है उसके हमने चार स्टेप्स देखे और उनके फंक्शन क्या होता है उनमें हमने तीन चीजें देखी। कैसे एराइज होता है, ड्यू टू म्यूटेशंस इन द कोडिंग रीजन, ड्यू टू जीन रीअरेंजमेंट, ड्यू टू ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एडिशन। फंक्शन क्या होता है, क्रोमोसोम रीमॉडलिंग, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स। तो ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसके बारे में, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के बारे में। अब अगर हम उसके बाद स्मॉल वाले पे आते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले देखा SNORNA, इसके तीन फंक्शंस होते हैं, आरएनए एडिटिंग, आरआरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरआरएनए प्रोटेक्शन। इसके बाद हमने देखा SNRNA, इसका मेजर रोल होता है mRNA प्रोसेसिंग। तो थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉन कोडिंग आरएनएस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरीज, दैट इज योर स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंसेस। तो अब ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर किसी को डाउट हो, ओके, तो अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी, दैट इज द RNA responsible for interference or silencing, है ना। So the expression of a number of eukaryotic genes is controlled through RNA interference, and these kind of mechanism is known as RNA silencing or post-transcriptional gene silencing. मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जीन्स होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ जीन्स जो कि आरएनए के लेवल पे आके कंट्रोल होते हैं, ठीक है, एंड उन सारे प्रोसेसेस को हम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग या फिर आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस इज ट्रिगर्ड बाय स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर नोन एज माइक्रो आरएनएस एंड स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए दैट इज SIRNA। तो मेनली दो आरएनएस होते हैं जो कि आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं, वन इज द SIRNA एंड अनदर वन इज द MIRNA। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं माइक्रो आरएनए के बारे में। माइक्रो आरएनए क्या होता है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट स्मॉल आरएनएस। फर्स्ट पॉइंट, एवरेज लेंथ इज 20 to 23 न्यूक्लियोटाइड, इट यूजुअली हैव अ यूरिडीन एट इट्स 5' एंड। इसका ये एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि इसके 5' एंड पे हमेशा एक यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड होता है। ह्यूमंस हैव अराउंड
500 टाइप्स ऑफ mRNA इनकोडिंग जीन्स। दे आर प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट्स, वायरसेस एंड एल्गी। मतलब ये लोअर प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, और लोअर प्रोकैरियोट्स के साथ साथ ये लोअर यूकैरियोट्स में भी होते हैं, और लोअर यूकैरियोट्स के साथ साथ फिर ये हायर यूकैरियोट्स में भी होते हैं। तो दीज आर वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, एल्गी, वायरसेस, इनवर्टिब्रेट सब में होते हैं। एंड इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि दे आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। इन सारे स्टेजेस में इनकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। एंड दीज आर ट्रांसक्राइब्ड मेनली बाय द आरएनए पॉलीमरेज टू। सो मोस्ट ऑफ द एमआरएनए आर ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज टू फ्रॉम नॉन कोडिंग डीएनए दैट जेनरेट शॉर्ट डबल स्टैंडर्ड हेयर पिन। मतलब क्या होता है कि जैसे लेट्स से दिस इज योर डीएनए, डीएनए से क्या होता है आपका आरएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेजेस। तो जनरली आपका जिस रीजन पे प्रमोटर होता है, प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करके आरएनए बनाता है। बट इन सम केसेस आरएनए पॉलीमरेज विल ऑल्सो ट्रांसक्राइब सम रीजन्स दैट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन। वो सिर्फ आरएनए के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड दीज काइंड ऑफ आरएनएज़ आर योर mRNAs एंड दे विल एग्जिस्ट एज डबल स्टैंडर्ड आरएनए हेयर पिंस। मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो बनेगा, तो दे हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेज, एंड ड्यू टू दीज इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेज दे विल फॉर्म अ हेयर पिन स्ट्रक्चर। मतलब ये ऐसे हेयर पिन लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करके एग्जिस्ट करते हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ mRNAs। मोस्ट अबंडेंट लेंथ इनका 22-23 न्यूक्लियोटाइड, यूरिडीन प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड में, मोर देन 500 mRNAs प्रेजेंट है ह्यूमन सिस्टम में। ये लोअर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और हायर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इट हैज अ स्पेसिफिक रोल ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड दे आर मेनली ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज टू। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो दिस इज लाइक से दिस इज द डीएनए एंड फ्रॉम दिस रीजन अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉर्म्ड एंड दिस इज द दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट इनकोडिंग फॉर अ प्रोटीन, इट इज अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होती है। ऐसा एमआरएनए बन गया, अब इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। तो दिस इज द जीन, दिस इज द डीएनए एंड यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन है एंड दिस रीजन इज बीइंग इनकोडेड एंड ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज टू। ये mRNA जीन है, इस mRNA जीन से एक प्री mRNA बना एंड दैट्स जैसा कि मैंने बताया इट विल फॉर्म अ सेम लूप और हेयर पिन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेड रिपीट्स। तो ये इन्वर्टेड रिपीट्स के कारण बेस पेयर फॉर्म करके एक सेम लूप स्ट्रक्चर बना। ठीक है, ना इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन द माइक्रो आरएनए कंटेनिंग द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्री mRNA आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द न्यूक्लियर एंजाइम ड्रोसा। ठीक है, माइक्रो आरएनए कंटेनिंग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द न्यूक्लियर एंजाइम ड्रोसा। मतलब ये जो स्पेसिफिक प्री या फिर प्राइमरी mRNA है जो कि अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट इज नोन एज ड्रोसा। सो दिस इज द ड्रोसा एंड दे विल रिकॉग्नाइज दिस प्राइमरी mRNA। नाउ दे विल क्रॉप आउट द सेम लूप एक्स्ट्रा रीजंस From this pre-mRNA। देखो ये जो एक्स्ट्रा ओवरहैंग्स है ना यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा ओवरहैंग्स है, तो दिस ड्रोसा एंजाइम विल क्लीव दीज एक्स्ट्रा ओवरहैंग्स फ्रॉम द प्राइमरी mRNA। ठीक है, तो ये प्राइमरी mRNA से ये ओवरहैंग्स क्या हो गए, यहाँ पे ट्रिम हो गए, क्रॉप हो गए। तो नाउ दिस इज अ कंप्लीट स्टेम लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर।
mRNA स्टेम लूप. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, तो फ्रॉम द प्राइमरी mRNA नाउ दे विल बिकम द प्री mRNA. पहले क्या था, ये प्राइमरी था. एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस एक्स्ट्रा ओवरहैंग्स, दिस प्राइमरी mRNA विल बिकम प्रीकर्सर mRNA. एंड नाउ दिस प्रीकर्सर mRNA विल अंडरगो अ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जाकर ये बाइंड करेंगे और ये फिर बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे. नाउ दिस प्री mRNA दैट इज प्रीकर्सर mRNA पर रिलीज इन द साइटोप्लाज्म. तो ये कहाँ चले गए, अब देखो ये साइटोप्लाज्म में चले गए. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इन द साइटोप्लाज्म ऑल प्री mRNAs इज प्रोसेस्ड बाय द RNAs डाइसर टू प्रोड्यूस mRNA इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड इंटरमीडिएट. अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आने के बाद देयर इज अ स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज डाइसर, एंड दिस डाइसर हैज अ RNAs एक्टिविटी. मतलब ये क्या करता है, ये RNA को क्लीव करता है. सो दिस डाइसर विल क्लीव दिस लूप, ठीक है, वो इस लूप स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, सबसे पहले क्लीव कर देगा. एंड सर्टेन ओवरहैंग्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो लूप्स प्रेजेंट है, उन सारे रीजन्स को वो क्या कर देगा, क्लीव कर देगा. तो फर्दर दिस प्रीकर्सर mRNAs इज बींग प्रोसेस्ड बाई द RNAs एंजाइम डाइसर. सो दिस डाइसर विल प्रोड्यूस अ डबल स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट. मतलब यहाँ पे कोई भी ओवरहैंग या कोई भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स नहीं रहेंगे, सिर्फ एक डबल स्टैंडर्ड रहेगा. एंड नाउ दिस डबल स्टैंडर्ड डुप्लेक्स इज नोन एज mRNA स्टार एंड mRNA. अब देखो यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड है इनको दो अलग अलग नाम दिया जाएगा. एक नाम दिया जाएगा mRNA स्टार एंड एक होगा mRNA. तो नाउ दीज टू स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग अ डुप्लेक्स विल रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स दैट इज RISC. अब क्या करेंगे, अब ये जो RNAs होते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड mRNA है, तो वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ दिस डबल स्टैंडर्ड RNA इंटरमीडिएट द गाइड RNA इज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द RISC कॉम्प्लेक्स. अब क्या होगा, ये ओवरऑल डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है. नाउ दिस डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल विल गो एंड रिकॉग्नाइज अ RISC कॉम्प्लेक्स दैट इज RNA induced silencing complex. So this RNA induced silencing complex, it has a specific kind of proteins. ठीक है, और ये इस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से जाके mRNA बाइंड कर लेगा. एंड इसमें जो दो स्ट्रैंड मैंने बताया कि एक होता है mRNA, एक होता है mRNA स्टार. तो द mRNA स्ट्रैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गाइड RNA. तो जो mRNA स्ट्रैंड है जिसको हमने गाइड RNA बोला, वो जाके इस RISC के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा. और जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है mRNA स्टार, दिस mRNA स्टार इज डिग्रेडेड बाय दिस RI कॉम्प्लेक्स. मतलब RI कॉम्प्लेक्स से ये पूरा जाके बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद जो RISC कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या करेगा, ये जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको डिग्रेड कर देगा. एंड नाउ द मैच्योर RISC कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म दैट इज नोन एज mRISC. मतलब mRNA inducing silencing complex that has a guide RNA along with a protein complex. And now this is the stable inducing complex. So with a functional guide RNA and with a functional protein, this is the functional mRISC, matlab functional mRNA silencing complex. So these are the all step. First step is the transcription. ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी mRNA जिसके पास ओवरहैंग्स होंगे और स्टेम लूप होगा. तो ओवरहैंग्स को हटाने के लिए क्या जरूरी है, ड्रॉसा एंजाइम. सो ड्रॉसा एंजाइम विल रिमूव द ओवरहैंग्स. नाउ दिस प्राइमरी RNA गेट कन्वर्टेड इनटू प्रीकर्सर mRNA. तो प्रीकर्सर mRNA अब साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होगा. वहां आने के बाद डाइसर एंजाइम उसकी स्टेम लूप स्ट्रक्चर की डाइसिंग करेगा. नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड mRNA विल
form a complex with the RISC. Now, in this complex, RISC will degrade one of the complementary strand. और एक स्ट्रैंड जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे गाइड आरएनए, एंड नाउ द गाइड आरएनए प्लस आरआईएससी विल फॉर्म अ फंक्शनल एमआईआरआईएससी कॉम्प्लेक्स. क्लियर? Is it clear? Now, next point is the mechanism of interference. मतलब क्या हो गया? MIRNA plus RISC का जो MIRISC complex है ये तो बन गया. अब ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है वो देखो. So the MIRISC can down-regulate the gene expression through two different modes. First mode is, देखो ये MIRNA है जिसके पास क्या है, एक guide RNA. So if the MIRNA and its target sequence contain perfect complementary sequences, अगर क्या होगा इस guide RNA और एक टारगेट रीजन प्रेजेंट है, अगर दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पेयरिंग प्रेजेंट होगी, नाउ इन दैट सिचुएशन ये एमआईआरएनए जाके एक टारगेट रीजन पे बाइंड कर जाएगा विथ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. नाउ अपॉन दिस परफेक्ट बेस पेयरिंग जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इस आरआईएससी कॉम्प्लेक्स में वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा. एंड विथ दिस activation of this protein complex that has a endonuclease activity, now they will cleave the strands of the target RNA. और ये target RNA अब क्या हो जाएगा, cleave off होके non-functional हो जाएगा. So this is the first mechanism जहाँ पे complementary binding होगी वहाँ पे cleavage होगा. So if the miRNA and its target mRNA contain perfectly complementary sequence, the miRISC cleave the mRNA, the two cleavage products are no longer protected from RNAs and are rapidly degraded. ठीक है? So this is the first mechanism. जब complementary base pair हो जाएगी तो फिर उसके कारण cleavage induce होगा. Now the second kind of mechanism is if the miRNA and its target region is having only partial complementarity. मतलब ये जाके यहाँ पे bind तो कर रहा है लेकिन देखो कुछ कुछ reasons bind नहीं कर पा रहे हैं due to incomplete complementarity reasons. यहाँ पे complete base pairing नहीं हुई and in that situation cleavage will not occur. ये cleave नहीं कर पाएगा because जब partial बाइंडिंग होगी तो इस कारण से जो इसकी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या रहती है, सप्रेस रहती. दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज इनकम्प्लीट कॉम्प्लीमेंटैरिटी मैकेनिज्म. और यहां पे क्या होता है, क्लीवेज तो नहीं होती है बट द एमआईआरआईएससी कॉम्प्लेक्स रिमेन बाउंड टू इट्स टारगेट एंड रिप्रेस इट्स मूवमेंट अक्रॉस द राइबोसोम. बट ये भी साइलेंसिंग करता है, ये डिग्रेड तो नहीं करता है लेकिन ये दूसरे तरीके से करता है. कैसे? ये एमआईआरआईसी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इट्स इनकम्प्लीट कॉम्प्लीमेंटैरिटी यहाँ जाके बाइंड करता है, क्लीव नहीं कर पाता है, बट ये यहाँ जाके बाइंड करके रह जाता है, यहीं पे जाके ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है. तो अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बाइंड कर गए हैं तो राइबोसोम इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको मूवमेंट के लिए तो ये एरिया खाली चाहिए ना. और जब ये एरिया खाली नहीं है, ये एरिया किससे ऑक्यूपाइड कर लिया है, आरआईएससी कॉम्प्लेक्स ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो राइबोसोम यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा एंड ड्यू टू दिस रीजन राइबोसोम विल नॉट एबल टू ट्रांसलेट दिस टारगेट रीजन एंड इन दैट वे दिस रीजन विल रिमेन साइलेंस. तो एमआईआरएनए की जो साइलेंसिंग की हम बात करें, दो मैकेनिज्म हो गई, एक तो टारगेट क्लीवेज, मतलब जब पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंटैरिटी बाइंडिंग होगी तो क्लीवेज होगा, और एक तो होगा टारगेट
रिप्रेशन, मतलब टारगेट के ट्रांसलेशन को रिप्लेस कर देंगे बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक साइट्स. सो दीज आर द टू मैकेनिज्म बाय विच द एमआईआरएनए कैन सप्रेस द जीन एक्सप्रेशन. इज इट क्लियर? क्लियर है सब? नाउ नेक्स्ट थिंग इज द एसआईआरएनए. ठीक है, एसआईआरएनए क्या होता है? इन एसआईआरएनए पाथवे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आर आइदर प्रोड्यूस्ड. एमआईआरएनए क्या होता है? देखो यहाँ पे हम साथ साथ डिफरेंस भी देखते चलेंगे. एमआईआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड गाइड आरएनए होता है वहां पे, बट एसआईआरएनए के केस में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. And it is being produced by transcription of both the strands of an endogenous DNA in the genome. या तो हमारा खुद का DNA जो है वो दोनों regions transcribe होके दो RNA बना देंगे by the endogenous origin. ठीक है, और दूसरा reason होता है they can arises from an exogenous source. तो RNA जो होते हैं दो तरह के, एक हो गया SIRNA, एक हो गया MIRNA. तो MIRNA हमेशा क्या होता है? MIRNA हमेशा होगा एंडोजिनस ऑरिजिन से, मतलब ये हमारे खुद के जीनोम के अंदर इनके सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. और SIRNA की बात करें तो SIRNA कैन बी एंडोजिनस और इट कैन बी एक्सोजेनस. सो इट कैन बी अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ एन एंडोजिनस डीएनए और इट कैन अराइज फ्रॉम अ एक्सोजेनस सोर्स फ्रॉम अ वायरस, मतलब एंडोजेनस सोर्स या फिर एक्सोजेनस सोर्स, दोनों से ही ये अराइज हो सकते हैं. एंड इनका फंक्शन क्या होता है? दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइलेंसिंग ओनली, सो दे विल डिटेक्ट एक्सोजेनस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डिस्ट्रॉय एनी ट्रांसक्रिप्ट्स डिराइव फ्रॉम द इनवेडिंग आरएनए. मतलब ये क्या होगा, ये एसआईआरएनए के कॉम्प्लेक्सेस स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के पूरे सेल के अंदर घूमते रहते हैं एंड जहां भी इनको कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंस मिलेगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनवेडिंग आरएनए मॉलिक्यूल और आरएनए प्रोड्यूसिंग वायरसेस बैक्टीरियाज और एनीथिंग, नाउ दे विल गो एंड बाइंड देयर एंड दे विल डिस्ट्रॉय देम. ठीक है, सो इनका भी मेजर वही रोल होता है कि ये क्या करते हैं, आरएनए का साइलेंसिंग ही कराते हैं. कैसे करेंगे? देखो, तो दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो स्पेसिफिक रीजन से ट्रांसक्राइब हुआ. ठीक है, नाउ दिस स्पेसिफिक रीजन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज क्लीव्ड बाय द एंजाइम डाइसर. तो ये बहुत सारे छोटे 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 फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे आपको एसआईआरएनए के, जो कि क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड होंगे. Now these smaller double stranded RNA are known as siRNA. And अब क्या होगा? Now this siRNA will combine with protein to form a RNA inducing silencing complex. अब देखो, अब ये एक RNA जो होगा double stranded वाला, वो एक protein के साथ complex बना लेगा जो बन जाएगा RISC complex. Now this RISC complex will scan the cell और इसको जहां भी क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंटैरिटी रीजन मिलेगा. देखो यहाँ पे इसको मिला तो यहाँ जाके ये बाइंड कर लेगा एंड विद द कॉम्प्लीमेंटैरिटी बाइंडिंग विद द कंप्लीट बेस पेयरिंग नाउ इट्स एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन एक्टिविटी बिगिन. और ये प्रोटीन एक्टिविटी जब बिगिन होगा सो दिस कॉम्प्लेक्स विल क्लीव द आरएनए. आफ्टर क्लीवेज आरएनए इज डिग्रेडेड. तो मैकेनिज्म सेम है. यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन देखो तो कंपैरिजन देखो, एमआईआरएनए में क्या होता है, सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड एमआईआरएनए बनता है जिसमें एक स्टेम लूप होता है. तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है ड्रोसा जो कि इस ओवरहैंग्स को क्लीव करता है, बट यहाँ पे ड्रोसा नहीं है तो एक डिफरेंस हो गया. नाउ यहाँ पे ये जो एमआईआरएनए बनता है प्री मैच्योर, ये ट्रांसपोर्ट होता है, बट यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म नहीं होता है. तो ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस. नाउ जब ये आ गया साइटोप्लाज्म में तो एक एंजाइम होता है डाइसर जो कि स्टेम लूप को क्लीव करता है.
दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन SIRNA सिस्टम. तो डाइसर क्या है? सेम है. डाइसर होने के बाद जब दो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बन जाता है, फिर क्या आता है? RISC कॉम्प्लेक्स बनता है. यहाँ पे भी RISC कॉम्प्लेक्स बनता है, ये भी सेम है. अब अगर वो SIRNA होगा तो वो डबल स्टैंडर्ड RISC कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट जाके अपने टारगेट से बाइंड करेगा. बट अगर वो MIRNA होगा तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? क्लीव हो जाएगा और सिर्फ एक स्ट्रैंड बचेगा. दैट इज नोन एज गाइड RNA प्लस RISC कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे एक हो गया थर्ड डिफरेंस. तो ये तीन मेजर डिफरेंस हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द RNAs, MIRNA या फिर SIRNA. ठीक है, तीन डिफरेंस हो गया. अल्टीमेटली दोनों क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंटैरिटी से बाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट रीजन से टारगेट सीक्वेंस के, और उसके एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं? साइलेंस कर देते हैं. तो जो अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द MIRNAs और SIRNA इज सेम, बट उन दोनों के प्रोडक्शन के तरीके, उन दोनों के प्रोसेसिंग के तरीके अलग होते हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टूडेज क्लास, दैट इज PIRNA. और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PV इंटरैक्टिंग RNA. एंड PV इंटरैक्टिंग मतलब कि PV क्या होता है? PV इज अ स्पेसिफिक आर्गोनॉट प्रोटीन और PV इज अ स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन. तो जो RNAs PV एंडोन्यूक्लियस से इंटरैक्ट करते हैं उनको हम PIRNAs बोलते हैं. सिंपल सा फंडा है. ठीक है, तो इनकी हम बात करें तो दे आर वेरी सिमिलर टू द MIRNAs. MIRNAs के हमने 20-23 न्यूक्लियोटाइड्स देखे थे, यहाँ पे अप टू 31 न्यूक्लियोटाइड होते हैं. तो ये MIRNA के सिमिलर ही होते हैं, बस उनसे थोड़े से लंबे होते हैं, स्लाइटली लॉन्गर देन MIRNA. दे डिराइव फ्रॉम द लॉन्गर सिंगल स्टैंडर्ड RNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम स्पेसिफिक रीजंस. और वो स्पेसिफिक रीजंस कौन से होते हैं? दे आर जनरेटेड फ्रॉम द रीजंस हार्बरिंग ट्रांसपोजोम्स एंड दे वेयर फर्स्टली डिस्क्राइब एज अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट द इंटरनल अटैक ऑफ ट्रांसपोजोम. मतलब क्या होता है कि ये स्पेसिफिकली, लेट्स से दिस इज अ जीन और यहाँ पे एक एलिमेंट है जो कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, और इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से देयर आर सर्टेन RNAs जो कि ओरिजिनेट होते हैं. दे आर द नॉन कोडिंग RNAs जिसको हम PIRNA. एंड इनका स्पेसिफिकली ये रोल होता है कि ये क्या करते हैं? ये इंटरैक्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड फैमिली ऑफ आर्गोनॉट प्रोटीन, दैट इज PV. तो PV इज अ काइंड ऑफ एंडोन्यूक्लियस आर्गोनॉट प्रोटीन, एंड ये RNA और इस PV के साथ कॉम्प्लेक्स बना के क्या बनाते हैं? PIRNA. एंड नाउ दे विल गाइड देम टू देयर टारगेट्स एंड साइलेंस द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट. मतलब क्या है कि ये हमारे खुद के सेल को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के अटैक से प्रिवेंट करते हैं, इंटरनल अटैक ऑफ ट्रांसपोजोन को प्रिवेंट करते हैं. मतलब क्या है? यहाँ पे सोचो एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, यहाँ से एक RNA बना, नॉन कोडिंग RNA जो कि PV एंडोन्यूक्लियस के साथ कॉम्प्लेक्स बना के और यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंसेस. और जब ये यहाँ जाके बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट बेस पेयरिंग होगी, PV एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट होगा और इसको क्लीव कर देगा. तो आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या हो गया? क्लीव हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया. एंड बाई दिस मैकेनिज्म दे विल प्रोटेक्ट द इंटरनल अटैक ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन आवर जीनोम. ठीक है, तो PIRNA का मेनली रोल क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स. क्लियर है सबको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? सो दिस इज अ क्विक रिकैप. देखो, नॉन कोडिंग RNA हमने क्या पढ़ा? दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मॉल, एक होता है लॉन्ग. स्मॉल में वी हैव सीन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक SNRNA जो कि mRNA का प्रोसेसिंग करवाता है, SNORNA जो क्या करवाता है, जो कि RRNA का प्रोसेसिंग करवाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट एडिटिंग करवाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट RRNA का मिथाइलेशन करवा के उसको प्रोटेक्ट करवाता है. नाउ अनदर कैटेगरी इज MIRNA जो कि साइलेंसिंग करवाता है, अनदर कैटेगरी इज SIRNA जो कि साइलेंसिंग करवाता है. एंड स्मॉल नॉन कोडिंग RNA का भी स्पेसिफिक टाइप होता है PIRNA, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स.
सो दीज आर द स्मॉलर नॉन कोडिंग आरएनएज. लॉन्गर नॉन कोडिंग आरएनएज में हमने जो देखा था वो क्या देखा था, दे आर रिक्वायर्ड फॉर क्रोमोसोमल रिमॉडलिंग, जीन एक्सप्रेशन, आरएनए डिग्रेडेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन जो हमने देखा कि हेट्रोक्रोमेटाइजेशन करवाता है. सो दीज ऑल आर द रोल्स ऑफ लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज, जो कि कैसे बनता है वो भी हमने देखा, आइदर बाय जीन रीअरेंजमेंट और म्यूटेशन विद इन द कोडिंग रीजंस. ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज के बारे में, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप ऑफ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज. इज इट क्लियर? दिस लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. So that's all for today's lecture. I hope everything is clear. Yeah. So thank you so much. And at last, I would like to tell you that if you have not taken the, if you have not subscribed this channel, aap let's crack channel ko bachche log subscribe kar lo. और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दो ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे विदाउट एनी डिले. कोई भी क्लास आपका क्या हो मिस ना हो, कोई भी क्लास आपको मिस ना हो, कोई भी लेक्चर आप मिस आउट ना करो, इसके लिए चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाई द सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड दैट इज Surbhi01 in order to get a 10% discount. And also अगर आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस फॉलो करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के ऊपर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल क्लासेस में. मैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस लेती हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तब भी आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो. डाउनलोड करने के बाद आप अपना गोल वहाँ पे सेलेक्ट करना CSIR UGC NET. और गोल सेलेक्ट करने के बाद जब आप स्पेशल क्लासेस के टैब में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेटर्स की लिस्ट मिलेंगे जिनकी क्लासेस शेड्यूल होंगी. तो वहाँ पे या तो आप जाके मुझे सर्च कर लेना, या आप मेरा प्रोफाइल सर्च कर लेना डायरेक्ट Surbhi कुमारी, आपको मेरी क्लासेस के लिस्ट मिल जाएंगे. ठीक है, और अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हो कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके पूरी की पूरी अपनी प्रिपरेशन जो है टेस्ट सीरीज क्विज सेशन सब कुछ आप वहाँ पे अटेंड करो तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चे, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन. और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करना मत भूलना जो कि है Surbhi01. इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट. बढ़िया, चलिए फिर लेक्चर यहीं पे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी. अगेन वी विल मीट. Thank you so much. Take care.